गंगोत्री से केदारनाथ कावड़ पैदल यात्रा की दूरी लगभग 425 किलोमीटर है। इस यात्रा में महेंद्र भोला, संजय भोला और हरिराम भोला, इस यात्रा को हमने 11 दिन में पूरा किया। यात्रा के दौरान हमें कठिनाइयां और परेशानियां आई, परंतु हमने अपनी यात्रा जारी रखी और 26 जुलाई 2019 को बाबा केदारनाथ पर जल अभिषेक किया। इस यात्रा के 4 भाग हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इन 4 भागों को देखें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर दी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। जय भोले की। आज की यात्रा हमने उत्तरकाशी से सुबह 6 बजे बारिश में ही आरंभ करनी पड़ी। बारिश अधिक तेज होने के कारण उत्तरकाशी की हम वीडियो नहीं बना पाए। उत्तरकाशी से चौरंगी खाल वाले रोड पे ऊपर पहुंचने पर जब बारिश कुछ हल्की हुई तब हमने थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड की। हम देख पा रहे हैं कि उत्तरकाशी शहर हमें नजर बहुत ही कम आ रहा है। बादल अधिक होने के लिए वीडियो क्लियर नहीं है। यदि बारिश रुकी तो हम वीडियो बीच बीच में बनाएंगे। आज की हमारी यात्रा उत्तरकाशी से चौरंगी खाल तक की रहेगी, जिसकी दूरी 27 किलोमीटर की होगी। आज रात को बीच बीच में अगर बारिश नहीं हुई तो वीडियो शूट करेंगे। जय बोलेगी। जय भोले की। अब हम चौरंगी खाल पहुंच गए हैं। उत्तरकाशी से सुबह चले थे, आज चौरंगी खाल पहुंच गए हैं। और ये चौरंगी खाल पे आप देख रहे होंगे मंदिर है, काफी हाइट पे है यहाँ से। और ये थोड़ा सा बाजार लगा हुआ है। ये हमारे संजय भोले जी गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे संजय भोले जी, बनाओ वीडियो, बनाओ जरा वीडियो, बनाओ जरा आप। हाँ जी भोले जी, जरूर बनाएंगे। ये लो चालू है कैमरा। ये रामपुर, यूपी रामपुर से हो? अच्छा, कितनी कावड़ ला रहे हो? ये बोले मेरी पहले तो 2-4 दुकान, अब तो मैं सेवा में हूँ। बोलो अब कहाँ जाओगे? केदारनाथ? केदारनाथ जाएंगे। ये भी बोले भी केदारनाथ जाएंगे हमारे साथ। क्या बोलेगी? और कितने बोले आपके? बोले हमारे साथ हैं 8 जन। कहाँ पे आपके बोले? वो है सामने, आइए मिलवाते हैं, खुश करके चला। ये हमारे बहन जी, हो गया गुरु जी हमारे। बोलिए चौरंगी बाबा पे आए, सब यात्रा मंगल में हो। केदारनाथ जा रहे हैं बाबा के दरबार में। बोले बाबा सब भक्त लोग हमारे गंगोत्री से केदारनाथ।
अपनी टीम से लड़वाइए। कितने बड़े बड़े आपके साथ? हमारे साथ में है कम से 25 जने। कितनी बार केदारनाथ जा चुके हैं बोले? बोले कृपा से हम जाते से कम से 6-7 बार गए। ये बोले के शंकर भगवान की जय, चरंगी बाबा की जय। इन बोलो की ले ले। ये बोले हमारे अर्जुन बोले। ये बोले की कौन कितनी काम की बोले आपने? ये तीसरी बार है आप बोले। जोर से बोलो बोले। जोर से बोलो। तीसरी बार बोले आपकी? तीसरी बार ये गंगोत्री से केदारनाथ की या गंगोत्री से केदारनाथ? तीसरी बार। जय बोले की बोले ये आपकी? हमारी ये चौथी पद यात्रा है गंगोत्री से श्री केदारनाथ जी धाम को हम जल लेके जा रहे हैं पैदल यात्रा। हाँ। चौथी बार। जय बोले की जय बोले की। बोले जी आपका शुभ नाम? राम पाल। कहाँ से आप? राम सारे रामपुर के होंगे। कितनी कावड़ होगी बोले आपकी? दूसरी है बोले। दूसरी बोले कावड़। कैसा लग रहा है बोले पैदल यात्रा में? बहुत अच्छा। रोड रोड पे बहुत अच्छा। आनंद मंगल आ रहा है कभी बोले? नहीं उधर से नहीं गया। नहीं गए? जय बोले की। जय बोले बोले की। बना ले बोले। हाँ बोले। हाँ बोले। बड़ा वाला एक बड़ा बोले बोले। ये आपकी सबकी पिक्चर है ना यूट्यूब पे देखना। अच्छा बोले की। जय बोले की। गुरु जी से मिले हो आज? पहले गुरु जी से। हेलो हेलो यार थोड़ी देर शर्मा थोड़ी देर यूट्यूब पे आएगा आपका? अरे इंडिया देखी थी तुम्हें? अरे गोराइटर जी प्राण है सबसे। आ जाओ आ जाओ जाओ मेरा हाथ पकड़ो। मैं थोड़ा डर डर बाबा। बोले जी पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम नंदराम। नंदराम कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी? यूपी में कहाँ? रामपुर। रामपुर रामपुर। कितनी कावड़ ला चुकी अभी तक? 25 25 केदारनाथ के लिए। रामपुर केदारनाथ की पहली यात्रा है? सातवीं। रोड से या लाटा से जाते थे? अब पहली बार रोड से जा रहे हो? रोड जाते हैं। बोले आपका नाम? राजू। राजू बोले हैं ये भी रामपुर के है। सारी टीम ही इनकी रामपुर की बैठी हुई है। बोलो की जय बोलेगी। बोलो जोर से बोलो। बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बम बम। देख करे वीर बजरंगे हर हर महादेव। वह हमने अपनी यात्रा सुबह 6 बजे चौरंगी खाल से आरंभ की। चौरंगी खाल से पहाड़ पे नीचे उतरने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो रोड से एक जंगल में पगडंडी से। पगडंडी का रास्ता लगभग 3 किलोमीटर के करीब है और रोड से धोंतरी 10 किलोमीटर है। हम जंगल के रास्ते से जाना पसंद नहीं किया क्योंकि इस रास्ते में जोंक ज्यादा है। हमने तय किया कि हम रोड से ही पहाड़ की उतराई करेंगे। जय भोले की। और रोड पे कोई पैदल यात्री नहीं है सिवाय हमारे भोले के। सामने देख कितना मोहक दृश्य नजर आ रहा है। वो देखिए हमारे भोले नजर आ गए हैं, वो जा रहे हैं। अब एक तरफ खाई है
हमने अपने भोलों को पकड़ लिया है और हमारे भोले आज कुछ फास्ट गति से चल रहे हैं। बहुत धीरे धीरे चल रहे भोले, आराम आराम से भोले हमारे बहुत फास्ट चल रहे हैं, लग रहा है आज ही केदारनाथ पहुंच जाएंगे बिना भोले। अभी आगे जाके बनाता हूँ भोले तुम्हारी जो हमारे भोले फास्ट चल रहे हैं आज। कितना प्यारा नजारा है, जय भोले की। आप देख रहे होंगे सामने बादल है और ये हमारे भोले आ रहे हैं आस्ते आस्ते। जब तक वो आए मैं आपको खाई दिखा रहा हूँ नीचे की, देखिए रोड से कितनी खाई है, गहराई है। अब ये मेरे भोले नजदीक आ गए हैं। जय भोले की। भोले जी कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। जय बोलेगी। छाले भी हो रहे हैं। ये हमारे हरिराम भोले हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, पहली बार गंगोत्री से केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। अपनी हिम्मत बरकरार रख रखे हैं इन्होंने, मन में श्रद्धा या लगन हो तो मंजिल दूर नहीं होती है, ये उनका एक एग्जाम्पल है। और संजय भोले ने तो कई यात्राएं कर चुका है। संजय भोले जी राबला मुक्त दिखा दो, ये है संजय भोले जी, इन्होंने कई यात्राएं की है गौमुख से दिल्ली, लाटा से केदारनाथ, आज ये पैदल यात्रा चल रहे हैं हमारे साथ गंगोत्री से केदारनाथ ऑन रोड, रोड रोड कोई शॉर्ट नहीं, सारे शॉर्ट फेल हो चुके, सारे शॉर्ट फेल हो चुके गुरुजी, सारे शॉर्ट फेल हो गए हैं बता रहे हैं आज बोले जी। बोलो जी। हाँ हाँ नहीं आप बोलते रहो ना, मैं पहले रोड का दिखा रहा हूँ ना। बोले जी रोड का दिखा रहे हैं, आगे पहुंच चुके हैं, संजय जय बोले जी वीडियो बना रहे हैं, पीछे खाएगा ध्यान रखे बोले जी। हाँ हाँ जरूर जी। जय बोले जी। जय बोले की। जय बोले जी। जय भोलेनाथ। कैमरा को संभाला। अब बोले जी हमारी रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, हमसे आगे निकल के बोले जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये तो बोले जी कैमरा हाथ में नहीं पकड़ रहे थे, अब पता नहीं कहाँ से बकरी का दूध पी रहे थे, इनकी फुर्ती आ गई है आज और ये हमारी वीडियो बना रहे हैं। जय बोलेगी। जय बोलेगी।
ये पेरंग के फॉल से हम 5 किलोमीटर नीचे उतरे आए हैं, डाउन चल रहे हैं अभी। कल हमने 30 किलोमीटर चढ़ाई करी है लगातार कंटिन्यू, अब हमें 16 किलोमीटर लग रहा है, 12-13 किलोमीटर हमें डाउन जाना है। ये चौरंगी खाल से अगर हम नीचे इस गांव से नीचे उतर के आते, पगडंडी से नीचे उतर के आते तो हमें 2.5 किलोमीटर के करीब पड़ता। हम ऑन रोड आ रहे हैं तो इसलिए हमें 8 किलोमीटर पड़ेगा ये। पर पगडंडी पे हम उतरने नहीं सकते थे क्योंकि वहां पे जोंक है जो खून पकड़ती है, चूसती है, इसलिए हम ऑन रोड आ रहे हैं। मैं और थोड़ा जूम करता हूँ। ये सारा गांव लास्ट वाली वहां से नीचे उतर के सीधा। अब ये खेती है इनकी, गांव वालों की। वैसे आता जंगल में से ये पग हरी हरियाली जो नारी है, ये सारे इन्होंने चावल उगा रखे हैं। और ये पहाड़ है, आप देख रहे हैं पहाड़ों के नीचे गांव है ये। कितना सौंदर्य लग रहा है। अब हम आगे चलते हैं और आगे के जाके शूट करेंगे। जय बोले की। अब ये धौंतरी पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर रह गई है धौंतरी। आप देख रहे हैं धौंतरी 2 किलोमीटर रह गई है और हमारे घोड़े अभी पीछे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे, काफी दूर तक पीछे रह गए हैं। जय बोलेगी। रात को हम चौरंगी खाल से चलकर इस होटल पे पहुंचे। बीच में हमें काफी चढ़ाइयों का सामना करना पड़ा। काफी चढ़ाई होने के बाद भी ये ऊपर देख रहे हैं, इस होटल में हमें ठहरना पड़ा। और अभी हमें आज की यात्रा हम यहाँ से चालू कर रहे हैं और आगे वीडियो। ये देखिए ऊपर गांव है, एक छोटा सा गांव है। और देखिए पेड़ में क्या अखरोट शायद लग रहे हैं, ये अखरोट का पेड़ है या सेब या अखरोट का पेड़ है। ये खेती का आगे की वीडियो आगे चलने पे बनाएंगे। जय बोलेगी। ये खाल है, सबसे ऊंचाई पर है। हम चढ़ाई खत्म कर चुके हैं, सबसे ऊपर आ गए हैं। ये आप देख रहे होंगे घनसाली 31 रह गई है, केदारनाथ 210 है। और अब तक हम 6 देखते हैं, हम गंगोत्री से कितने आगे हैं। 210 अभी केदारनाथ है। ये ऊपर मंदिर है एक कमुंडला खाल। कमंडला खाल है ये, सबसे हाइट पे है।
इसके बाद हमें उतराई उतराई है, उतरना है। ये मंदिर है, देख रहे हैं हम। एक सौ 173 किलोमीटर है गंगोत्री, अभी तक हम 173 पे आ गए हैं। और ये हमारे भोले हैं, ये भी आ चुके हैं। जय भोले की। ये भी भोले आ चुके हैं हमारे। चलानी है नहीं चलानी अब बस, तो फिर बंधवा दो मेरी कावड़। आज सुबह की यात्रा हमने कमुंडा खाल से 2 किलोमीटर पीछे से आरंभ की थी, अब हम चिलियाना बाजार से 1.5 किलोमीटर आगे पहुंचने पर हमें एक मंदिर में अब थोड़ा विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। चल भी चल बोले। अंदर टाक तो यहाँ हाथ पैर लगाएगा, हाथ उत लगाएंगे। जय बोले जी। जय बोले जी। लो बोले जी, मेरी भी बना दो थोड़ी। जय बोले जी। बनाई चलो। हाँ करो रखो, अभी देता हूँ। पहला पड़ाव यहीं था बाबा जी। केदारनाथ के लिए ये अर्जुन जी की फोटो है बाबा भोलेनाथ के मंदिर पे। ये धर्मराज युधिष्ठिर की फोटो है वो सामने पे। ये धर्मराज महाराज जी की फोटो है। ये बाबा भैरवनाथ, माँ पार्वती, गणेश जी, हाँ
ये 12 ज्योतिर्लिंग है। ये हमारे भोले बाबा जी यहाँ के पुजारी जी हैं, देख देख सब इनके हाथ में है बाबा जी के मंदिर की। हमारे महंत पैंतीस सालों से यहाँ पे बाबा जी की सेवा में लगे हुए हैं। ये नंदी भगवान जी है और ये कहाँ से होगी? रुको, कहाँ से होगा? कुछ कर रहा हूँ, वो रुक जाती है। हाँ, रिकॉर्डिंग ले रही है। अपने संजय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर कांवड़ लेके इधर पहुँचे हैं और धाम के परिक्रमा करके इन्होंने सभी देवी मूर्तियों का अपने कैमरे में सेट कर लिया और अपने घर में सभी माता बहनों को वो यहाँ के विषय में जानकारी देंगे और सबके जो है मनोकामना पूर्ण हो गए। सितंबर में आएगा। सितंबर में आएगा? हाँ। अरे वाह, अरे भगवान तुम्हारा को सदा भ्रमण करते हो। मैं बोले के सदा तुमको जय जयकार हो बोले के। बिल पत्र है, ये स्वर्ण बिल पत्र है, नीचे मेरा था। हाँ गुरु जी, आया आया आया। हाँ हाँ, भोले का नंबर सेव कर लो, आपने आना तो है। हाँ भाई, घनसाली पहुँच गए हम, पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए हैं घनसाली में। तो जय बोले। है बोले जी, है बोले जी। ये घनसाली से हार
अभी आगे का पहाड़ जिस पे हमें चढ़ना है, धीरे 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 चढ़ेंगे, उसको पार करेंगे। ये संजय जी बोले, देखो इनकी हालत। बोले देखो इनकी हालत क्या हो रही है। जय बोलेगी ये भाई, जय बोले। मारिए मेरे भाई कैमरा। आज जाओ आओ जी बोले जी। हाँ बोले जी। हम घनसाली शहर में जाने वाले हैं। ये बोट है घनसाली के पास, केदारनाथ रह गया 192, बद्रीनाथ 222, धुत्तू 30, तिलवाड़ा 68, रुद्रप्रयाग 98। इस अब बोर्ड के पीछे देखते हैं क्या है, कितना हम आगे हैं। जमी आला 10, प्रकाश 95। अब ये एक नदी जा रही है, इसके ऊपर पुल है। ये घनसाली का बाईपास जा रहा है ऊपर, और ये घनसाली के शहर में से जाए हम पुल के ऊपर से। बहुत तेज आ रही है आवाज करती हुई। और इधर जा रही है, ये मंदिर आ गया। जय भोले, भोले बाबा जी हैं, भोले बाबा जी नंदी पे बैठे हुए हैं। ये मेरठ वाले भोले हमारे, ये संजय भोले हमारे पीछे आ रहे हैं।
दोनों तरफ मार्केट है घनशाली की। आज संडे होने की वजह से लगता है मार्केट बंद है, बाजार बंद है। नदी के परली साइड में भी शहर बसा हुआ है। जय बोले की। बोले जी कहाँ से हो? दिल्ली में। कहाँ पे? नरेला। हाँ हम करोलबाग के हैं बोले। दिल्ली से कब से चले हो मोटरसाइकिल दिल्ली से? हम चले हैं 18 तारीख। 18 को गए हो? अब केदारनाथ जाओगे? केदार बद्रीनाथ चारों धाम कर रहे हो या दो ही धाम? दो कर आए। हाँ चलो जय बोलेगी। जय बोलेगी।
ये हमारे संजय बोले और हरिराम बोले नीचे झरना जो जा रहा है उसमें उतर गए हैं, कपड़े बड़े धो रहे हैं, कपड़े धो रहे आराम से। और मैं जूम करता हूँ इनको, कह रहे हैं हम गुसल खाने में नहीं नहाएंगे और ठंडे पानी से नहाएंगे। ये भोले जाके झरने में उतर गए हैं दोनों भोले। हमने होटल ले लिया, कमरा ले लिया है। ये झरना उधर से आ रहा है और ये देखो चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ये पुल है झरने से इधर को आके, अभी ये पहले उस पुल उधर रोड से आ रहे थे हम, पुल पार करके अभी ये पहाड़ पे आ गया रोड। हम अब सुबह यहाँ से चलेंगे और शाम तक शायद लग रहा हम चिड़वई या पहुंच जाएंगे। 25 किलोमीटर की चढ़ाई लगातार चढ़ेंगे क्योंकि कल बहुत ही मुश्किल लग रहा है हमें चढ़ाई। चल जय बोलेगी।